बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। कल तो आठवां अजूबा हो गया था। जिमिन लाइव आए थे। जिमिना, कल जिमिन डियो के सेलिब्रेशन में गए थे, उसके ही बाद वो आर्मी को थैंक यू बोलने के लिए लाइव आए थे। मुझे जिमिन की लाइव बहुत पीसफुल लगी। जिमिन की लाइव की पहली लाइन हमेशा सेम रहती है, मैं बहुत देर से आया ना, सॉरी। एनीवे, लेट्स वॉच। हेलो, मैं यहाँ हूँ। मुझे बस अपना एसी का रिमोट लाने दो, मैं वापस आ जाऊँगा। मैं थोड़ा देर से आया हूँ ना, माफ करना। ओह, मेरा हाथ। ओह, मुझे चोट नहीं आई है। एक्सरसाइज करने से इसमें थोड़ी खरोच आ गई। मुझे लाइव किए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैंने आपसे बात करने के लिए और बातचीत करने के लिए एक समय निकालने की कोशिश की, और मैं कंपनी से बात कर रहा था। और इस एक महीने के दौरान मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। कमेंट, हमारा जिमिन एक शेड्यूल के बिना काम नहीं कर सकता। हाँ, ये सही है, लेकिन मेरे लिए डियो प्रोग्राम में जाना मुश्किल था। जाने और कहने के लिए मैं डियो का एम्बेसडर हूँ। मैं आज जाते हुए सचमुच बहुत घबरा रहा था, और आप मुझसे मिलने आई और मेरा स्वागत किया, और मैं बहुत आभारी था। इसने मुझे उस समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जब मैं पेरिस में था, या अमेरिका में। खैर, आप में से बहुत से लोग मिलने आए थे, लेकिन मैं आपका ठीक से वेलकम नहीं कर सका। मैं इतने समय बाद काम करने के लिए बाहर गया, और ये लेडी डियो का सेलिब्रेशन था। मैं देख सकता था कि आप सभी लोग आए थे और मेरा वेलकम भी किया, और ये बहुत अच्छा भी था। एक समय ऐसा था जब मैं आप सभी को हेलो नहीं कह सका और मुझे जाना पड़ा, और इसके पीछे एक कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और मैंने आप में से बहुतों को देखा, और मैंने अंदर से अपना हेलो कहा। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद आप सभी को हेलो कहने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार था, और मैं ऐसा करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला और आप लोग वहाँ नहीं थे। मैंने गलत दरवाज़ा खोल दिया होगा, मैं सोच रहा था, और पीछे मुड़कर देख रहा था कि मैं क्या कर रहा था, और शांत होकर अपने को जांच रहा था, और कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कड़ी मेहनत करनी है तैयार होने के लिए। मैं शुरू से ही गानों पर काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं किया। मैं बढ़ना चाहता हूँ और आपको म्यूज़िक कॉन्सर्ट में दिखाना चाहता हूँ। और जब मैंने उन हिस्सों को देखना शुरू किया जिसमें मैं सुधार कर सकता था, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट थे। मुझे मिलिट्री में जाना पड़ेगा, और बचे हुए समय में मैं तुम्हारे साथ कैसे बिताऊं, इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा था। और इन सब सोच में थोड़ा समय लगा, इसलिए मुझे आपसे मिलने आने में देरी हुई। लेकिन मुझे पता है कि आप हमेशा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मेंबर को चेयर कर रहे हैं, और मैं खुश मन से देख रहा हूँ। मैं हान नदी के किनारे भी वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और जब भी मैं ऐसा करता हूँ, नामजून ह्योंग मुझे दिखते हैं, और मेरे मन में ये थॉट आते हैं कि नहीं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खुशहाल 30 का जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए एक नया मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ। जैसे कि नामजून ह्योंग ने कहा, ये चैप्टर 2 है। अब जानते हैं, लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि आप घर पहुंचेंगे, फिर वॉश करेंगे, लेकिन रात के 1 बज चुके हैं। इस तरह आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे चेयर भी कर रहे हैं। ओह, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश लेसन बहुत मुश्किल है। लेसन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक आप खुद को लेसन लेने के लिए तैयार नहीं करते, तब तक आप इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। कमेंट, प्लीज़ ये मत भूलिए कि बहुत से लोग हैं जो आपके लिए चेयर कर रहे हैं। जिमिन, अगर आपको कोई चेयर करने वाला ना हो तो काम करना मुश्किल है, और आप इतनी दूर तक नहीं जा सकते। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको चेयर करें और आपका सपोर्ट करें, और हम आप सभी लोगों के बहुत से सपोर्ट की वजह से
काम करने में एबल हैं। मैं पहली बार कुछ समय के लिए बाहर गया हूँ और मैंने अपने बाल और मेकअप किया और मैंने आज अपने बाल भी कटवा लिए। ये पहले लंबे थे कंधे तक। और आज जंकू का बर्थडे है, वो बहुत बिजी है। हमने कल फ़ोन पर बात की, वो बहुत बिजी है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। प्लीज़ उन्हें बर्थडे की बधाई दो, आखिरकार ये एक खुशी का दिन है। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है, मैं आज सिर्फ आपसे बातचीत करने आया हूँ, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। मैं आपको ये दिखाना नहीं चाहता था और ये थोड़ा गंदा है, इसलिए मेरा अपने घर पर लाइव करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं इन दिनों बाहर नहीं जाता। ये मेरा मूड लाइट है। आह, जब मैं लगभग 30 साल का हो जाता हूँ तो मून लाइट होने पर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन ये बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हें दिखाने दो, रुको रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते हो ना, और ये देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? है ना? वो सन है और वो सारे प्लेनेट, और मैं इसे देखता हूँ और सो जाता हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है ना? ये बहुत सुंदर है। आप इस पर टाइमर भी सेट कर सकते हैं, और ये बहुत रियल लगता है, एकदम असली। कमेंट, मैं आपका चेहरा हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हारा चेहरा हूँ? मेरे पास ये भी है, कॉन्सर्ट बैनर, और मेरे पास ये भी है। कमेंट, क्या आप सीक्रेट रूम दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। ये एक रेत का थैला है और कुछ एक्सरसाइज का सामान है। ये मेरा सीक्रेट रूम है। क्या मैं आपको मेरे डैड का रूम दिखाऊं? ये मेरे डैड का रूम है। मेरे पेरेंट्स ने आकर मेरी जगह देखी और कहा कि मेरे पास यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक मॉडल घर जैसा दिखता हो, और शायद उन्हें इसे मेरे लिए बदल देना चाहिए। कमेंट, क्या मारिमो ठीक है? तुम्हें याद है मारिमो जो जिमिन ने लाइव में बनाई थी, मतलब उसके लिए घर बनाया था? ओह, मैंने इसे कंपनी में छोड़ दिया है। मुझे हैरानी है कि क्या शुगर ठीक है। मुझे हैरानी है कि वे कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। जिमिन ने अपनी मारिमो का नाम शुगर रखा था। मैं जिन और जेहोब को देखने जाने की प्लानिंग बना रहा हूँ। कमेंट, एक लाइव जहाँ मैं रेमन बना रहा हूँ। मैं इसे अगली बार करूँगा, मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं है। सच में मेरे पास ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जिसकी मैं इस समय विश कर रहा हूँ। कमेंट, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या मैं तुम्हें ऑनलाइन गले लगा सकती हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो। कमेंट, स्किन केयर रूटीन, मैं बस वॉश करता हूँ और मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, बस इतना ही। आमतौर पर जब मेरा कोई शेड्यूल होता है तो मैं अच्छी नींद नहीं ले पाता हूँ, लेकिन कल रात मैं अच्छी नींद ले पाया। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ। कमेंट, जिमिन आई लव यू प्लीज़, थैंक यू, आई लव यू टू। कमेंट, आज का TMI क्या है? मैं यौन उबासी लेना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं अभी कुछ ही देर में आप सभी से मिलना आया था। नंबर वन, मैं इस बारे में बात करना आया था कि मैं क्या कर रहा था। टू, मैं आपको मूड लाइट दिखाना आया था। थ्री, मैं अब डियो इवेंट के बारे में बात करना चाहता था। फोर, प्लीज़ जंकू को बर्थडे विश दे, और चलो एक दूसरे से जल्दी मिले। मैं सच में ड्रामा नहीं देखता, लेकिन मूविंग मैंने ये देखा, ये मज़ेदार था, और मैंने शेडो डिटेक्टिव भी देखा। कमेंट, अपना टैटू दिखाओ। मैंने कल फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, है ना? कमेंट, मैं चॉकलेट फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? रीज़न क्या है? इसका मतलब क्या है? हर कोई ऐसा क्यों कह रहा है? कमेंट,
हम चॉकलेट फैक्ट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिमिन बहुत स्वीट है। क्या आप जानते हैं चॉकलेट फैक्ट्री किस कारण बंद हुई? क्यों नहीं? चॉकलेट फैक्ट्री क्यों बंद हुई? कमेंट इतनी तेजी से आ रहे हैं, क्या मैंने जवाब नहीं देखा? मैं जाने से पहले पता लगाना चाहता हूँ, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत स्वीट हूँ? मैं अब जा रहा हूँ, वॉश करूँगा, अपना चेहरा अच्छे से साफ करूँगा और आराम करूँगा। सब लोग अच्छे से रहो, खूब पानी पिए, सावधान रहे। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए भी सावधान रहे। आज खुश रहो और आज का दिन अच्छे से पूरा करो, तुमने हार्ड वर्क किया है। बाय, मैं तुमसे आज और कल प्यार करता हूँ। ओके ओके जिमिना, अब फिर से 2 महीने के लिए गायब तो मत हो जाना। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।